हाँ तो मनसुख भाई ये बताओ कि जब आप छोटे थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कब मिले थे आपको? मैं छोटा जूनागढ़ में वल्लभ भाई पटेल जूनागढ़ में आया, बाद ये ऊपर कोर्ट में उसकी सभा होने वाली थी, तो सभा वो उसने बहादुर कॉलेज में किया, नवाब के बाप का नाम से बहादुर, तो उसकी कॉलेज में उसने वहाँ सभा की। तो उस दूसरे दिन आए वो वेरावल, वेरावल से प्रभात पाटन आता है, तो प्रभात पाटन में सोमनाथ रहता है, तो उसने ये बोले कि ये चालू कर दो उसका काम, निर्माण चालू करो, संस्था बना लो, तो ट्रस्ट बनाया, तो बोले वो सब हो जाएगा, बोले चालू करवा दो, तो चालू हो गया। और दशमलव का मंदिर हुआ था प्रभात पाटन, वो 50 साल से ताला लगा के जूनागढ़ का नवाब के हिसाब से बंद था क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, जूनागढ़ के नवाब ने बंद करवा रखा था और मुसलमान के हिसाब से खड़ा, तो वो उसने बोला ताला खोल दो, खोला था, तोड़ा था, तो जो हो गया था। वेरी गुड, वेरी गुड। ये नेहरू जो थे तो ये कश्मीर का प्रश्न नेहरू को उसने वल्लभ भाई ने बोला कि भाई मैं सॉल्व कर लूंगा, तू क्या बोलता है, तू बाहर घूम। तो वो जो यूनियन नहीं ले जाता तो ये वल्लभ भाई ये पूरा हिंदुस्तान को उसने कब्जा एक कर दिया, पूरा सबको एक ही राजा रजवाड़ा नहीं रहा, ये जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का नवाब दोनों गए थे अलग थे, तो हैदराबाद को उसने कर दिया और सामरदास गांधी को लेके ये लड़ाई करके नवाब को खत्म कर दिया, जूनागढ़ नवाब को। जूनागढ़ का नवाब का 28 गाड़ी और 28 ट्रक सामान का वो वेरावल से कराची गया और हमारे सामने गया, वो पाकिस्तान कराची और वेरावल में 18 घंटे का रास्ता था। अच्छा, समुद्र में 18 घंटे में माल आता वहाँ। ये रेडिएशन जो बनता ना, ये हिंदुस्तान में नहीं बनता था, कराची हिंदुस्तान में था, तो हिंदुस्तान का वो रेडिएशन बनता था कराची में, हथौड़ा था रवा मेहंदा और नेशन, हथौड़ा था नाम है उसका, ब्रांड था। अच्छा, तो वो जिंदगी में वो उसका से आग भी नेशन उसके से का नहीं बनता है, नहीं बनता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये मतलब मैंने सुना है कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो सोमनाथ का मंदिर बनाया बनवाया तो उसके उद्घाटन में नेहरू जी नहीं गए, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए राजेंद्र बाबू फर्स्ट राष्ट्रपति थे अपने, वो आए थे, उनको रोक रहे थे, नेहरू रोक रहे थे। हाँ, वो बोले कि मैं तो जाऊंगा, वो नेहरू नहीं आया था, नेहरू ओपोजिट नहीं था, अपोजिट में था ना। ये नेहरू नहीं होता तो जो ये हिंदुस्तान अलग था उसका, नेहरू नहीं होता तो हिंदुस्तान अलग होता। ये कश्मीर का प्रश्न करोड़ों अरबों रुपया कश्मीर को दिया है नेहरू ने, इंडिया ने, आज भी अरबों करोड़ों रुपया जाता है, वो अपने पैसे से भरते हैं, इंडिया का वहां कोई उपयोग नहीं है, वो उसकी स्वतंत्रता है, अलग देश है वो कश्मीर। अच्छा, तो और सुनाओ अपने पुराने अनुभव उस जमाने के। और क्या करना है बात? अच्छा, नेहरू नहीं होता तो भारत का विभाजन नहीं होता था? नेहरू के विभाजन से नहीं होता, ये गांधी जी के कुछ उसमें हुआ। अच्छा, गांधी जी ने करवाया? गांधी जी को ऐसा था कि वो कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो बहुत समझाया मगर कोई माना नहीं, तो बोले ये कम हो, गांधी जी ये नहीं होता तो ये वल्लभ भाई को नेहरू को लाने का अलग गांधी। अच्छा, ये जो टूटनी हुई थी उसके अंदर वल्लभ भाई का मत था। अच्छा, बड़ा प्रधान बनने के लिए वल्लभ भाई को प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो क्या हुआ था उस तो समय? वो गांधी जी ने बोला कि दोनों मेरे को दोनों आंखे दोनों हाथ, एक डाई एक दाई और एक जलगो, तो वो बोले वल्लभ भाई को समझाया, बोले कि नेहरू को बनने दे। क्यों क्यों ऐसा क्यों? वो बोले कि वो नेहरू को बनने थे। क्यों ऐसा क्यों किया गांधी जी? उसका मन था, बोले तुम दोनों मेरे के लिए बराबर नहीं, पर नेहरू से तो ज्यादा वल्लभ भाई योग्य थे ना, वो उसको योग्य मानते थे, गांधी जी उसको योग्य मानते। अच्छा,
तो उसको उसको वल्लभ भाई बोले एकदम तो उसको गृहमंत्री वल्लभ भाई थे मगर उसके हाथ में वो बोले कि विदेश प्रसाद तो तू विदेश का खाता सवाल के रहे बात पढ़ते रहे कुछ भी कहा मेरे कोई हरकत नहीं वल्लभ भाई ने तो ये काफी अपना राजवाड़ा एक छोटा होता कोई अच्छा जी सब वल्लभ भाई जब 1950 में मरे बंबई में तो ये नेहरू उनके अंत्येष्टि में गए थे क्या वो जाने वाला नहीं था गया मगर जाने वाला नहीं था घृणा करता था वल्लभ भाई से नफरत करता था ये अच्छा 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 ये वल्लभ भाई को ये कांग्रेस वाले ने अभी तक काम दिया था वो ये भाजपा ने जब किया जब वो भारत रत्न दिया अच्छा ये वल्लभ भाई की जो गुजरात में बढ़िया मूर्ति बनाई उसके बारे में आपका क्या विचार है जो बहुत बढ़िया ये भाजपा वाला बना रही है ये है कांग्रेस ही वल्लभ भाई मगर भाजपा वाला बोले ये गुजरात का है गुजरात का अरे आ गया जो उसको कांग्रेस वाला मानते नहीं थे वल्लभ भाई का कोई कांग्रेस वाला कोई समझ नहीं उनकी लड़की को भी बहुत दुर्दशा में चश्मा तक नहीं दिलाया तो वो उसके हिसाब से उसको भारत रत्न दिलवाया ये इसने बीजेपी वाला ये जो उनकी लड़की थी ना वल्लभ भाई की तो वल्लभ भाई उनकी लड़की के पास पार्टी के 71,000 रुपए छोड़ गए थे तो दिल्ली देने गई नेहरू को क्योंकि नेहरू ने चाय भी नहीं पिलाई उसको और उसका चश्मा खराब हो गया था उस जमाने में महंगा आता पैसे नहीं थे ईमानदार लोग थे तो चश्मा भी नहीं दिलाया और वल्लभ भाई की जो परिवार था उस पर कांग्रेस ने कोई ध्यान नहीं दिया कोई ध्यान नहीं दिया ये कांग्रेस ही तो ये अरबों रुपये खा के सब ये खा के बैठे सब जब बीजेपी वाला जब आए तो उसने वो ये कोयले के खदान का ने सब जो पैसे जो मिले उसमें तो ध्यान हो गए सब कांग्रेसी खा गए ये इसने जमा रखे ये बीजेपी वाला ने ये इसने वो उसके अंदर तेजुए में डाले तो वो पैसे खर्च इसने भी कर रहे उससे उस पैसे से देश का विकास करें उस पैसे से पर वल्लभ भाई पटेल कांग्रेसी होंगे वो ठीक है लेकिन वो महापुरुष तो थे महापुरुष थे वल्लभ भाई पटेल का तो कोई हिसाब ही नहीं था अच्छा आप उनके बारे में बताओ जो आप उनसे मिले थे देखा था तो कैसा लगा आपको नहीं वो तो उस टाइम भी ऐसा ही लगा था कैसा मैंने बचपन में देखा था उसको तो उस टाइम ऐसा लगा कि कोई ये महापुरुष है ऐसा लगा है अच्छा कैसा व्यवहार था उनका नहीं अपन रूबरू उसको मिलके हाथ नहीं मिलाया कभी एक ही दफे वो आए थे जूनागढ़ में जब मैं भी छोटा था और जूनागढ़ का नवाब ने ये पाकिस्तान में जाने का ऐलान कर दिया था तो मैं वेरावल में था तो वेरावल के अंदर 200 हिंदू थे सिर्फ उठ रहे थे बाकी सब निकल गए थे अच्छा 200 में एक में था वेरावल में हाँ वेरावल में तो 40 रुपये का भाव का 20 रुपये में कोई नहीं ले रहा थे कोई चीज 20 रुपये के भाव 10 रुपये में कोई लेना नहीं थे हाँ मेरा भाई सब जयपुर में थे वेरावल से छोड़ के जयपुर में आ गए थे तो मैं अकेला दुकान पर बैठता था आपकी दुकान थी हाँ की होटल की काम था अच्छा अच्छा किराना अच्छा अच्छा किराना कमीशन एजेंट सब काम कर रहे बहुत काम था तो उस समय मतलब जो है जब भारत आजाद नहीं हुआ था अंग्रेज जा रहे थे तो उस समय लोगों के अंदर कैसा क्या भाव था क्या जुनून था भारत की आजादी के लिए नहीं भारत के लिए तो सब लोग तो मानते थे मगर ये दो स्टेट थे हैदराबाद और जूनागढ़ दो नहीं माने थे तो ये अच्छा मुसलमान के जो कराची में जो गए तो मेमन कौन थे वो सब ये बाटवा मानवाल कुछियाना वो उसका घर करोड़पति वो सब थे तो वो सब गए वहाँ वो दुखी हो गए क्यों दुखी हो गए वहां कोई मानते नहीं उसको अच्छा अच्छा तो धर्म के आधार पर देश के टुकड़े किए तो फिर मुसलमानों को यहाँ क्यों रखा कांग्रेस ये यही जो खूबी है ये मुझे बताओ ये कांग्रेस वाले मुसलमान की औलाद है ये नहीं दिखता है ये बात आज की बात है
कांग्रेस वाले मुसलमान जो फिरोज खान कौन थे उसको तो वही चाहिए। फिरोज गांधी मैं अभी इसको